गुरु रविदास मंदिर को बचाने के रोष प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। आप देखें खेड़ी पुल हैदराबाद की तस्वीर है, ये यहाँ से जो बहुजनों का जत्था है वो निकल चुका है। और देखिए प्रशासन भी जो है वो अलर्ट है पूरी तरह से। जो है वो मोटरसाइकिल की सवारी लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। दो सौ साल पुराना गुरु रविदास मंदिर बचाने को लेकर के आज भीम आर्मी और तमाम फरीदाबाद के बहुजन सामाजिक संगठनों ने बोल दिया था कि आज वो अपना रोष प्रदर्शन करते हुए दूसरी आफिस तक जाएंगे। काफिला निकल चुका है जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मंजीत सिंह नौटियाल देखें वो बाइक पर है। देखिए इस रोष प्रदर्शन की अगर बात करें तो नेशनल हाईवे का निर्माण जो चल रहा है, जो कि फरीदाबाद बाईपास से होकर के निकल रहा है, उसको लेकर के जो रोष का कारण है वो यही है कि जब हर जगह फ्लाईओवर का प्रोविज़न
किया गया है। तो इस हमारी 200 साल पुरानी धरोहर को बचाने के लिए नेशनल हाईवे ने अपने रोड मैप में जिस तरह से वो तैयार किया गया है, उसमें यहाँ पर फ्लाई ओवर का प्रोविजन क्यों नहीं किया गया, क्यों उस धरोहर को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। इसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं। फरीदाबाद खेड़ी पुल रजा संबंध से शुरू हुआ है और अब ये DC ऑफिस तक जाएगा। तो इस वक्त मथुरा रोड पर ये काफिला आ चुका है। फरीदाबाद मथुरा रोड पर ये काफिला आ चुका है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। रंजीत नौटियाल नारेबाजी करते हुए, और आप देखें प्रशासन जो है वो किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। और एक रोष आज यहाँ पे नज़र आ रहा है बड़ी संख्या में। रविदास आश्रम को बचाने की लड़ाई में तमाम संगठन शामिल हैं और आज एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर जिले स्तर पर किया जा रहा है। ये काफिला पहुँच रहा है DC ऑफिस के लिए, खेड़ी पुल से निकल कर सभी लोग आए हुए हैं। आंदोलनकारी बढ़ रहे हैं नीले झंडे के साथ, सबका गाने चलवाने के बीच भी मंडी से टकराएगा और दूर हो जाएगा, जब गली से टकराएगा। जय भीम जय भीम। खेड़ी पुल रविदास मंदिर से जो रोष प्रदर्शन शुरू हुआ है, वो खेड़ी पुल माफ कीजिएगा खेड़ी पुल से उतर के DC ऑफिस की तरफ आ चुका है। आंदोलन का यहाँ प्रशासन ने शायद प्रदर्शनकारियों को रोक लिया है।